नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर में बहू के दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के 6 घंटे बाद ससुर ने फांसी लगाकर जान दे दी। जिस समय पीड़िता के ससुर ने फांसी लगाई, उसका बेटा थाने में बंद था। पिता के आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने महिला के पति को छोड़ दिया। पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी 11 मई को बच्चों के साथ उसके फुफेरे भाई के साथ भाग गई थी। उसी दिन ठाटीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पत्नी के मोबाइल में फुफेरे भाई के मैसेज भी हैं। दरअसल न्यू जीवाजी नगर ठाटीपुर की रहने वाली विवाहित महिला अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ ठाटीपुर थाने पहुंची। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उसका पति पुताई का काम करता है। ससुर ने 18 दिन पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पति और 10वीं में पढ़ने वाला देवर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। फिलहाल पीड़िता के आरोप और ससुर के फांसी लगाने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन्होंने फांसी लगा ली जी, फांसी लगा ली इन्होंने। वो मेरी बीवी ने इसमें बलात्कार का इंजाम लगा दिया है और सब ससुराल वालों का इसमें हाथ है पूरे का। और वही आते उन्होंने रिपोर्ट डलवाई थी, इसके मामा मामा सब में लगे, इन्हें रिपोर्ट डलवाई है पापा के खिलाफ। कल डलवाई थी बलात्कार की। मैं तो थाने में था, वहीं बैठा था। जी मम्मी थी तो बोली कि 4 बजे निकल गए ऊपर घूमने लगे, इतने में उन्होंने लगा लिया। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज आज के साथ।